हाय गाइस, मैं आज आपको लैपटॉप में व्हाट्सएप कैसे डाउनलोड करें और यूज़ कैसे करें मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। वो क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद वहाँ सर्च करेंगे व्हाट्सएप वेब। व्हाट्सएप वेब सर्च करने के बाद आपका पेज लोडिंग हो जाएगा। लोडिंग होने के बाद आप देख सकते हैं व्हाट्सएप वेब नाम को आपको क्लिक कर लेना है। और क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आपका पेज लोडिंग हो रहा है और आप किस तरह से आप कर सकते हैं मैं दिखा रहा हूँ। इस तरह के करने के बाद आपका व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं। आपको अपना फ़ोन कनेक्ट करना पड़ेगा तभी आपका व्हाट्सएप ओपन होगा। अगर आपको व्हाट्सएप डाउनलोड करना है तो देख सकते हैं आप, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ आपको वैसे करना है। अगर आपका एप्पल का लैपटॉप है तो आप देख सकते हैं मैक को आपको चूज़ कर लेना है। अगर आपका विंडोज 7 है, 8 और 10 है तो आपको देख सकते हैं आपको उस लिंक पे क्लिक कर लेना है। और क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। देख सकते हैं आप डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। और डाउनलोडिंग होने के बाद आपको डाउनलोड किए फोल्डर पे चले जाना है। और आप आ जाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद रन का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। और आपकी व्हाट्सएप की इंस्टॉलिंग शुरू स्टार्ट हो चुकी है। इंस्टॉलिंग हो रहा है। वेट कर लीजिए, थोड़ा देर लग सकती है। देख सकते हैं आप, ये हमारा पेज आ चुका है व्हाट्सएप का। आपको यार डबल से स्कैन करना पड़ेगा, मैं जैसे बता रहा हूँ आपको वैसे ही स्कैन करना है, देख सकते हैं आप। स्कैन करने के बाद देख सकते हैं आपका व्हाट्सएप पीसी में ओपन हो चुका है। आप इसे यूज़ भी कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन से देख सकते हैं आप यहाँ पे अपनी डीपी एडिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे आप अपना स्टेटस भी देख सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे स्टेटस दिखेंगे आपको। और आप न्यू चैट भी क्रिएट कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ से। और आपको लॉगआउट करना है तो देख सकते हैं नीचे ऑप्शन में लॉगआउट आपको दिख रहा होगा। अगर आपको न्यू नंबर ऐड करना है तो देख सकते हैं आपको पहले लॉगआउट करना पड़ेगा, फिर स्कैन करके आपको न्यू नंबर ऐड करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वॉच फुल वीडियो।